फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई, काफी अच्छी जर्नी रही है आपकी, इतना लोगों का प्यार मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं फाइनल सिक्स में? ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग गुड और मुझे बहुत, मैं सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे सिद्धार्थ और मुझे ही सिर्फ कुछ मिल रहा है, बाकी 20 के 20 ठंडन गोपाल हैं, उनको कोई प्राइस नहीं मिला और कुछ नहीं मिला। टॉप टू में आसिम ने आके भी क्या ही उखाड़ लिया, कुछ नहीं मिला उसे, वीवो का फोन तक नहीं मिला। मजाक कर रहा हूँ, पर ही डिजर्विंग लड़का है, बहुत अच्छा किया उसने, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव हिम, जो भी था शो में था वो बकवास था, अभी बाहर सब प्यार प्यार है। बाकी हाँ ये बोलूँगा कि सिद्धार्थ और मुझे ही कुछ ना कुछ मिला है। जर्नी अपनी इतनी अमेजिंग रही है कि लोगों ने प्यार दिया है और कलर्स वालों ने भी मुझे बताया कि मेरी कितनी पॉपुलैरिटी हो रही है बाहर, और एक नया शो भी दिया। और समझदारी तो इसी में ही थी कि आया भी अपनी मर्जी से था और गया भी अपनी मर्जी से ही, कुछ ना कुछ लेके ही जा रहा हूँ, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जा रहा। तो आई एम लकी इनफ, आई हैव गॉट एवरीथिंग। आप सब लोग सोचते हैं कि मैं विनर होता काश, तो इतना सोचना भी मेरे आप में अपने आप में एक विनिंग ही है। विनिंग में मुझे लगता है एक ट्रॉफी और पैसा मिलता, और अभी सिद्धार्थ जैसे विनर है उसको पता नहीं कि वो नेक्स्ट क्या कर रहा है, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो सब सॉर्टेड है भाई। ओके सर, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, लोगों का प्यार मिला, तो जी क्या मकसद था आपका जो 10 लाख का जो प्रीमियम लेके आपने किया? मकसद क्या था? बस यही था कि कुछ लेके ही जाओ, बेवकूफों की तरह ये भी रद्द नहीं करना, रद्द कर दिया जितना करना था स्टार्टिंग से। हाँ, पर लोगों की फीलिंग्स को मैंने तो रद्द कर ही दिया, बेचारे 20 रद्द हो के ही गए, कुछ नहीं मिला, मुझे तो सब कुछ मिला। मेरा सपना बिग बॉस था पहले, सबसे पहले वो मिला, उससे मुझे मेरे काम को इफेक्ट ना हो, मुझे छूटते काम मिला, और जनता का प्यार मिला, फेम मिला, दोस्ती मिली, माहिरा मिली जो कि इतनी अच्छी दोस्त है, और इतना सेंस मिला कि लोग क्या चीज़ें देख के क्या क्या बातें कर सकते हैं और आपको उनकी बातों से फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। तो बहुत कुछ मिला बिग बॉस से, बिग बॉस से मुझे सब कुछ मिल गया, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड एंड वेरी सेटिस्फाइड। जैसा पारस आपने कहा कि आपकी जर्नी बहुत ही अनोखी रही है, एक फ्रेंडशिप भी बनाई जी, बाहर जी। पर बाहर एक लव एंगल क्यों भी देखा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना? हाँ यार, पता है मैं भी बड़ा सैड हो गया था ये बात सुन के कि मेरा घर का कोई टॉपिक आ नहीं रहा और बाहर के टॉपिक में मेरी वाट लग रही है, और जहाँ पे उन्होंने क्या बोला मुझे पता ही नहीं है। तो ये सब बातें देख सुनने के बाद शॉक था मैं, और ये सब बातें सुनने के बाद अब ऐसा तो दिखता है कि अब फ्यूचर तो नहीं है, तो बेटर है कि हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ो, और मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करिए, बस सिंपल है। ओके, इसके बाद आपकी और एक आ रही है आपकी न्यू शो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, मेरा नया शो आ रहा है, सब कुछ मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया वाले भी उतना ही रिस्पॉन्स दें, उतना ही प्यार दें, कि जैसे हमारा शो आगे बढ़े मैं आगे बढ़ूँ, और आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ मुझे एक लाइफ पार्टनर भी अच्छी मिल जाए। जो इतना बाहर हुआ आप सभी लोग जानते थे, तो समझदार हैं ही, और जनता भी बहुत समझदार है कि अगर किसी के एब्सेंस में ऐसी बातें बोली जा रही हैं तो क्या कोई क्या करना चाह रहा है। तो बस अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ, आप लगा डावरा इज बैक है ना, और बस अब प्यार दो और प्यार लो। ओके पारस सर, लास्ट सवाल का, आकांक्षा ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है, हाँ, तो आप आगे जाके उनसे बात करेंगे, मिलके क्या क्या क्या, क्या, क्या कंटिन्यू रखेंगे यार रिलेशनशिप? वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं सलमान सर के साथ भी मेरा थोड़ा सा झड़प हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरी सलमान सर से झड़प हो गई, तो वो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, फिर तो मेरे लिए बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है वो चीज़, तो इसलिए अभी नेगेटिव बातें नहीं करते हम, सब पॉजिटिव है, और मुझे उनसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्लियर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर तो करना ही पड़ेगा, पर हाँ अच्छे से, अच्छे से, क्योंकि प्यार खुले में करना चाहिए और झगड़े बंद कमरों में। तो अगर झगड़ूंगा तो थोड़ा सा बंद कमरे में झगड़ूंगा, बाहर नहीं आने दूंगा, और आप कुछ उल्टा सीधा मत छाप देना, ठीक है, थैंक यू।